युगपत समीकरणों को हल करने में आव्यूहों का प्रयोग। माना कि तीन चरों x, y और z में तीन युगपत समीकरण a11x plus a12y plus a13z equal to b1, दूसरा समीकरण a21x plus a22y plus a23z equal to b2, और तीसरा समीकरण a31x plus a32y plus a33z equal to b3। इन समीकरणों को हम आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं ax equal to b, जहां पर कैपिटल A जो है ये 3x3 या तृतीय कोटि का एक आव्यूह है, जहां पर हम प्रथम पंक्ति पर x, y और z के गुणांक प्रथम समीकरण से, दूसरे पंक्ति पर दूसरे समीकरण के x, y और z के गुणांक, और इसी प्रकार तीसरे पंक्ति पर तीसरे समीकरण के x, y और z के गुणांक, अर्थात a11, a12, a13, a21, a22, a23 और a31, a32, a33, ये कैपिटल A है। और कैपिटल X इक्वल टू ये 3x1 का एक मैट्रिक्स है जिसके अवयव हैं x, y और z, और इसी प्रकार कैपिटल B ये भी एक 3x1 का या 3x1 इस साइज का एक अवयव है जिसके अवयव हैं b1, b2, b3। तो माना कि डिटरमिनेंट A अर्थात हमें जो सारणिक प्राप्त होगा आव्यूह A से उसका मान 0 के बराबर नहीं है, तब A इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब समीकरण 1 में हम A इनवर्स का गुणा पूर्व में करें तो हमें मिलेगा A इनवर्स गुणा A गुणा X बराबर A इनवर्स B। A इनवर्स A का जो मान होता है ये I होता है, तो अगले समीकरण में या अगले पद में हमें मिलेगा I इंटू X इक्वल टू A इनवर्स B। अब I into X equal to X होता है, तो इस प्रकार हमें मिल रहा है X equal to A inverse B। इससे हम अज्ञात राशियों X, Y तथा Z का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखेंगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न, उसके पहले कुछ एक दो और अवधारणाएं। संगतता का सिद्धांत, हम संगत और असंगत समीकरणों को पहले ही परिभाषित कर चुके हैं। यहां हम रैखिक समीकरणों के निकाय Ax equal to b, जहां पर a एक वर्ग आव्यूह है, कि संगतता असंगतता हेतु कुछ सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे। तो इसमें पहला सिद्धांत है, यदि डिटरमिनेंट a is not equal to zero तो निकाय संगत है और उसका एक अद्वितीय हल है। दूसरी स्थिति, यदि डिटरमिनेंट a equal to zero तथा एडजॉइंट a into b equal to zero तब निकाय संगत है और उसके अनंत हल हैं। तीसरी स्थिति, यदि डिटरमिनेंट A इक्वल टू जीरो तथा एडजॉइंट A इनटू B नॉट इक्वल टू जीरो तब निकाय असंगत है और उसका कोई हल नहीं है। आगे देखते हैं रैखिक समीकरणों का समरूप निकाय। रैखिक समीकरणों का समरूप निकाय Ax इक्वल टू जीरो इस प्रकार का होता है। तो पूर्व में हमने जो समीकरण देखे थे वहां पर इक्वल टू बी वन, बी टू और बी थ्री ऐसा हमें मिला था तीनों समीकरण में अलग अलग। यहां पर बी वन, बी टू और बी थ्री जो है वो शून्य 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 रख दें तो हमें समरूप निकाय प्राप्त होता है, अर्थात ए वन वन एक्स वन प्लस ए वन टू एक्स टू प्लस ए वन थ्री एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, ए टू वन एक्स वन प्लस ए टू टू एक्स टू प्लस ए टू थ्री एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, और ए थ्री वन एक्स वन प्लस ए थ्री टू एक्स टू प्लस ए थ्री थ्री एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। इस निकाय को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक 3x3 इस कोटि का एक आव्यूह है जिसके रो के अवयव हैं ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, दूसरा रो ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, और तीसरा रो ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, और उसके बाद एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। ये एक 3x1 का आव्यूह है बराबर एक 3x1 का फिर से आव्यू शून्य शून्य शून्य। तो इससे हम लिख सकते हैं कैपिटल A इंटू कैपिटल X इक्वल टू जीरो। यदि A व्युत्क्रमणीय हो तो उपर्युक्त समीकरण में A इनवर्स का पूर्व गुणन करेंगे, करने पर हमें मिलेगा A इनवर्स इंटू A इंटू X इक्वल टू A इनवर्स इंटू जीरो। और आपको यह ज्ञात है कि A इनवर्स A जो होता है यह कैपिटल I होता है, तो ये कैपिटल I इंटू X इक्वल टू जीरो
यहां से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये कि x1 इक्वल टू जीरो, x2 इक्वल टू जीरो और x3 इक्वल टू जीरो। तो इससे यह स्पष्ट है कि x इक्वल टू वन, x1 इक्वल टू जीरो, x2 इक्वल टू जीरो, x3 इक्वल टू जीरो दिए गए समरूप निकाय को संतुष्ट करता है। यदि a व्युत्क्रमणीय है, समीकरण ए एक्स इक्वल टू जीरो का एक अद्वितीय हल x1 इक्वल टू जीरो, x2 इक्वल टू जीरो और x3 इक्वल टू जीरो होगा। अब हम समरूप समीकरणों हेतु संगतता का निर्धारण करेंगे। यदि निकाय ए एक्स इक्वल टू जीरो है तो पहली स्थिति, यदि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ए शून्य के बराबर नहीं होगा, तब निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। और यदि डिटर्मिनेंट ए या सारणिक ए का बराबर शून्य होगा तो निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। तो आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को सरल करते हैं। अवयूहों की सहायता से समीकरण को हल कीजिए। समीकरण दिया गया है 2x plus 3y equal to 5 और 3x plus 2y equal to 2। तो हम लोगों ने देखा है कि अवयूहों की सहायता से समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं। तो जो हमने थ्योरी पढ़ा था उसे हम यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो समीकरण दिया गया है उससे अवयूह का निर्माण करना है। तो a इक्वल टू x का गुणांक 2, y का गुणांक 3, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3, y का गुणांक 2, फिर कैपिटल X जो होगा ये x और y इसके दो अवयव होंगे, तथा कैपिटल B जो होगा इसमें इक्वल टू के बाद में जो संख्याएं हैं उसका ये एक अवयव बन जाएगा। अब हमें ए इनवर्स ज्ञात करना होता है। तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। तो आपके पास ए अवयूह दिया गया है तो इसे आप डिटर्मिनेंट बना लीजिए सारणिक। तो ये 2, 3, 3, 2 सरल करते हैं, 2 और 2 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 4, 3 और 3 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 9, सरल करने पर आपको मिल जाएगा -5। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए या सखंडज अवयूह निकालने के लिए आपको उसके अवयव ज्ञात होना आवश्यक है। तो ए वन वन इक्वल टू एम वन वन ये आपको मिल जाएगा 2। देखिए इस यहाँ पर देखिए इस अवयव या ये यहाँ पर जो अवयव है ये 1 1 है, ये वाला एलिमेंट इसको रो और कॉलम को छुपा दीजिए, जो बच रहा है ये 2 या उपसारणिक, तो ये आपको मान मिल गया 2। इसी तरीके से ए वन टू इक्वल टू माइनस एम वन टू, तो यहाँ पर इस रो और कॉलम को छुपाएंगे तो बचेगा 3 और ये ऋण चिन्ह के साथ आएगा तो ये -3। इसी प्रकार ए टू वन इक्वल टू माइनस एम टू वन ये आपको मिल जाएगा -3 और ए टू टू इक्वल टू एम टू टू ये आपको मिल जाएगा 2। और आपको पता है कि हम एडजॉइंट ए लिखते हैं ए वन वन ए वन टू और ये ए टू वन ए टू टू, इस तरीके से ए वन वन का मान आपको प्राप्त हो चुका है 2, ए वन टू का मान आपको मिल चुका है -3, ए टू वन का मान मिला है -3 और ए टू टू का मान मिला है 2 या 2। तो इस तरीके से आपको एडजॉइंट ए मिल चुका है। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए का मान आपको मिल गया है -5 और एडजॉइंट ए का मान ये, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 2, -3, -3 और ये 2। अब चूंकि आपको पता है कि x इक्वल टू ए इनवर्स p, x जो है ये यहाँ पर ये सारणिक है, x y ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो ये सारणिक ये अवयव है, ये 2, -3, -3, 2 और बी का मान यहाँ पर ये अवयव 5 और 2। तो इन दोनों का हम गुणा करते हैं और सरल करते हैं। तो गुणा किस प्रकार करते हैं आप देख चुके हैं, तो ये -1/5 और ये रो का गुणा इस कॉलम के साथ, तो 2 और 5 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 10, -3 और 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा -6।
इसी प्रकार ऋण 3 का गुणा 5 से करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 15, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 4। तो इस तरीके से आगे जब हम इसे सरल कर रहे हैं तो x का मान हमें प्राप्त हो रहा है, ये ऋण 1/5 और आव्यूह में ये 4 और ऋण 11। आगे जब आप इसे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऋण 4/5 और ऋण और ऋण धन हो जाएगा ये 11/5। x जो है ये x और y है, तो x का मान संगत मान ऋण 4/5 और y का संगत मान 11/5 प्राप्त हुआ। तो अतः x बराबर ऋण 4/5 और y का मान 11/5। तो एक बार पूरी प्रक्रिया को फिर से समझते हैं कि हमने क्या किया है। तो पहले ये कि हमने हमारे पास जो समीकरण दिया गया था उससे हमने कैपिटल A, कैपिटल X और कैपिटल B 3 आव्यूह लिख लिए। फिर A इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट A और एडजॉइंट A के अवयव लिखने के लिए आवश्यकता होती है इन सारे अवयवों की। A11 यहाँ पर ये 2/2 का है तो A11, A12, A21, A22 ये सारे अवयव हम लोगों ने निकाल लिया। फिर एडजॉइंट A इक्वल टू ये इस तरीके का डिटर्मिनेंट होता है जिसके अवयव यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। ये निकल जाने के बाद A इनवर्स का मान हम निकाल सकते हैं, ये एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A होता है। डिटर्मिनेंट A का मान हमने -5 निकाला है, वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया है। अब ये x इक्वल टू A इनवर्स B ये फार्मूला होता है, इस पर जब आप अप्लाई करेंगे x जो है ये डिटर्मिनेंट, ये जो x है ये आपका आव्यू एक्स वाई है, स्तंभ आव्यू, ये जो x है यहाँ पर ये आव्यू दिया गया है। इसी तरीके से A इनवर्स हमने निकाला है और B यहाँ पर ये आव्यू दिया गया है। फिर ऑपरेशन परफॉर्म करके हमने तुलना किया तो हमको मिल गया x इक्वल टू ऋण 4/5 और y का मान 4/5, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न दिया गया है आव्यूहों की सहायता से समीकरण को हल कीजिए। समीकरण पहला समीकरण है 2x-3y+z=9, दूसरा समीकरण x+y+z=6 और तीसरा समीकरण x-y+z=2। तो पूर्व प्रश्न में हमने जिस प्रकार दिए गए समीकरण से आव्यूह की रचना की थी वो रचना हमें यहाँ पर भी करना है। तो हम लिखते हैं कैपिटल A, कैपिटल A जो होता है वो दिए गए समीकरण में x, y और z के गुणांकों से बनता है। तो पहले समीकरण में x का गुणांक 2, y का गुणांक 3 और z का गुणांक 1। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में 1, 1 और 1, तीसरे समीकरण में 1, -1 और 1, ये a का मान प्राप्त हुआ। x चूँकि यहाँ पर 3 चर राशियों का उपयोग किया गया है x, y, z, वो यहाँ पर आ जाएगा। और अंत में b जो है इक्वल टू के बाद में जो संख्याएं हमें मिल रही है उनसे बना हुआ ये आव्यूह होगा। ये 3/3 का हमें आव्यूह मिला है तो इसका इनवर्स की आवश्यकता हमें होती है। तो उसके लिए पहले हम इसके सारणिक का मान ज्ञात कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट A ये जो आव्यूह दिया गया है उससे हम सारणिक बना लेंगे, 2 ऋण 3 1 1 1 1 और 1 ऋण 1 और 1। रो कॉलम ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं या फिर सीधे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम प्रसार भी कर सकते हैं। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो 2 1 और ऋण धन 1, फिर ऋण और ऋण धन 3, 3 1 और 1 1, ऋण ये 1 और ये 1 का गुणा ऋण 1 और फिर धन 1, इसका और इसका गुणा करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 1 और इसका गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 1। सरल करेंगे तो 1 और 1 2, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 4, ये मिल गया 0 ऋण 3, 0 × 3 0 और ऋण 2, तो सरल करने पर आपको मिल गया वैल्यू 2। अब यहाँ से आप A11 निकालिए, ये होगा M11, तो ये सारणिक ये उपसारणिक 1 1 ऋण 1 1, सरल कीजिए 1 और 1 1 धन 1 = 2। इसी प्रकार A12 ये -M12 आपको मिल जाएगा माइनस चिन्ह के साथ में, 1 1 1 1, सरल करेंगे तो -1 -1 ये इक्वल टू आपको 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से A13 ये आपको मिल जाएगा M13, 1 1 1 -1,
सॉल्व करेंगे तो ये इसका इसका गुणा हो जाएगा -1 और -1 इक्वल टू -2। इसी प्रकार M21 ये हो जाएगा -M21। 21 मतलब ये वाला अवयव, इसके रो और कॉलम को छुपाइए, -3, 1, -1, 1। तो -3, 1, -1, 1 इसको सरल कीजिए, 3 यहाँ पर ये ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह के साथ -3 और 1 का गुणा -3, और ये 1 और 1 यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो -3 धन हो जाएगा। तो -3, -1, -2 और -2, -2, -2। इसी प्रकार A22 आपको मिल जाएगा M22, और ये सारणिक है, उपसारणिक है 2, 1, 1 और 1। सरल करेंगे तो 2 ऋण 1 बराबर आपको मिल जाएगा 1, और A23 ये मिल जाएगा -M23। तो -M23 तो ये 2 -3 और 1 और ये -1, माइनस ये -2, माइनस माइनस और माइनस अगेन +3। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1 और ये इस प्रकार ये -1। तो A23 जो आपको प्राप्त हुआ ये -1 प्राप्त हुआ। अब A31 हम ज्ञात कर लेते हैं, ये आपको मिल जाएगा M31। इसका जो उपसारणिक है ये -3, 1 और 1, 1। सॉल्व करेंगे तो -3 और -1 बराबर -4 आपको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार A32 इक्वल टू -M32, माइनस ये आपको मिल रहा है 2, 1 और 1, 1। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -2, -1 ये 1 और 1 और ये माइनस का साइन -1। A33 आपको मिल जाएगा M33, ये आपको मिल जाएगा 2, -3, 1 और 1। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2, -, -+3 आपको मिल गया 5। तो आपको पता है कि एडजॉइंट ए जो होता है इसको हम लिखते हैं A11, A12 इस तरीके से A13, और ये होता है A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसी प्रकार इस जो हमें मान प्राप्त हुआ है इसमें हम मान रख देते हैं 2, 0, -2, 2, 1, -1, -4, -1 और ये 5। तो हमें एडजॉइंट ए का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग ए इनवर्स इक्वल टू 1/determinant A × adjoint A इस सूत्र का उपयोग करेंगे और आगे सरल करेंगे। A inverse equal to 1/determinant A × adjoint A। आपको डिटर्मिनेंट ए का मान हमें प्राप्त हुआ था 2, तो ये 1/2, और एडजॉइंट ए का मान हमें मिला था 2, 2, -4, 0, 1, -1, -2, -1, 5। अब चूंकि आपको पता है कि एक्स इक्वल टू होता है A inverse B, ए इनवर्स का मान हमें प्राप्त हो चुका है, तो ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं 1/2, 2, 2, 4, 0, 1 ये -4 है, -1, -2, -1 और ये 5। बी का मान ये अवयव है 9, 6, 2। अब गुणा करते हैं, दो अवयव का गुणा किस प्रकार करते हैं आपको यह ज्ञात है। एक्स का मान ये एक्स वाई और जेड ये एक अवयव है। अब ये जो 1/2 है इसको बाहर रखते हैं और फिर आगे पदों का गुणा करते हैं। तो ये रो और इसके कॉलम के साथ संगत पदों का गुणा, तो 2 और 9 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 18, 2 और 6 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 12, -4 और 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा -8। इसी प्रकार इसका गुणा इन अवयवों के साथ, 0 का गुणा 9 के साथ 0, 1 का गुणा 6 के साथ 6, -1 का गुणा 2 के साथ -2। फिर ये जो रो है उसके अवयवों का गुणा करते हैं, तो -2 और 9 का गुणा -18, -1 का गुणा 6 के साथ तो ये -6, और 5 का गुणा 2 के साथ -10। अभी से आगे सरल करते हैं, ये 1/2 इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा आपको 22, इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा 4, और इसको सरल करेंगे तो मिल जाएगा
ऋण 14, 1/2 का गुणा कर देंगे अंदर में तो आपको मिल जाएगा, ये आव्यूह है एक्स वाई जेड, और इस तरीके से आपको मिल जाएगा 22/2 11, 4/2 2, ऋण 14/2 तो ये ऋण 7। तो इसका मतलब ये कि आपको प्राप्त हो गया x बराबर 11, y बराबर 2 और z बराबर ऋण 7, और यही वह उत्तर है जो हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रकार अब आप और भी प्रश्नों को सरल कर सकते हैं। प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक समीकरण निकाय असंगत है, और हमें यहाँ पर समीकरण दिया गया है 4x-3y=5 और 8x-6y=9। तो पहले हम इस दिए गए समीकरण निकाय से आव्यूह प्राप्त कर लेते हैं। तो इसे हम लिखेंगे कि समीकरण निकाय को AX=B के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a का जो मान है, हम हमेशा लिखते हैं कि x का गुणांक और फिर y का गुणांक, फिर x का गुणांक और फिर y का गुणांक। तो ये आपको मिल गया a, x जो चर राशि उपयोग किए गए हैं उसका आव्यूह x और y, और b इक्वल टू के बाद में जो संख्याएं आई है उसका आव्यूह, तो ये 5 और 9। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट a निकाल के देखते हैं, तो ये 4 ऋण 3 8 ऋण 6, ऋण 6 और 4 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 24, और फिर ऋण चिन्ह 8 और 3 24, और ये ऋण चिन्ह, तो ऋण और ऋण धन 24, तो बराबर 0। तो जैसे ही 0 आ गया डिटर्मिनेंट a का मान, तो हम ये कहेंगे कि इसलिए a जो है यह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब हम लोग इसके लिए एडजॉइंट a निकालने के लिए बाकी सारे अवयव ज्ञात कर लेते हैं। तो a11=m11, ये आपको मिल जाएगा ऋण 6, a12=-m12, तो ये मिल जाएगा आपको -8। इसी तरीके से a21=, आपको मिल जाएगा -m21, तो माइनस और माइनस +3, और a22=m22, आपको मिल गया 4। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एडजॉइंट a इक्वल टू, आप लिखते हैं a11 a12, और फिर ये a21 a22। a11 का मान है -6, a12 का मान है -8, a21 का मान है 3, और इसका मान है 4। तो हमें ये आव्यूह मिल चुका है, और आपको ये पता है कि एडजॉइंट a इंटू बी अगर हम करें तो मिल जाएगा -6 और ये -8, 3 और 4, और b का मान जो है ये सारणिक आव्यूह 5 और 9 के रूप में। अब गुणा कैसे करते हैं आपको पता है, इसके रो का गुणा इसके कॉलम के अवयवों से, तो ऋण 6 और 5 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा ऋण 30, 3 और 9 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 27। इसी प्रकार ऋण 8 का गुणा 5 से करेंगे तो 8 × 5 = 40, और 4 और 9 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 36। सरल करेंगे तो ये आपको मिल गया ऋण 3, और इसको सरल करेंगे तो मिल गया ऋण 4। ऋण 3 और ऋण 4 ये जो आव्यूह है ये 0 के बराबर नहीं है, तो अतः इससे सिद्ध हुआ कि दिया गया समीकरण निकाय असंगत है, और यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समीकरण निकाय संगत है, और हमें समीकरण दिया गया है x+y+z=1, 2x+3y+2z=2, और ax+ay+2az=4। पूर्व प्रश्न में हमने जिस प्रकार समीकरण से आव्यूह का निर्माण किया था वही काम यहाँ पर पहले करेंगे। तो यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं कि a, कैपिटल a, यहाँ पर हम लोग चर राशि के गुणांक को लिखते हैं, तो ये 1 1 1 और 2
तीन दो और फिर ए ए और दो ए प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बी बी जो है यह बराबर चिन्ह के बाद में जो अचर राशि दिया गया है वो एक दो चार इसका अवयव, और सी इसमें एक्स वाई जेड या सी के जगह में हम कैपिटल एक्स का उपयोग करते हैं, ये एक्स वाई जेड तीन चरों का उपयोग किया गया है। तो ये जो अवयव दिया गया है इसका हम लोग सारणिक बना करके पहले सरल कर लेते हैं, एक 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 दो तीन दो और ए ए दो ए, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो एक गुणा तीन दुनी छः ए ऋण दो गुणा ए दो ए ऋण एक, दो गुणा दो चार ए ऋण दो और ए दो ए धन एक दो ए ऋण तीन ए। सरल करते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा चार ए और चार ए ऋण दो ए आपको मिल जाएगा दो ए, तो ये ऋण दो ए और यहाँ से आपको मिल जाएगा ऋण ए, तो दो ए और ऋण ए तीन ए और कुल मिलाकर के आपको मिल जाएगा ए। अब चूंकि ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो अतः ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो इस प्रकार हम यह लिख सकते हैं कि अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। तो प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित आव्यूह समीकरण से x, y और z के मान ज्ञात कीजिए, ये रहा आपके सामने प्रश्न। तो इसमें पहले जो दिया गया आव्यूह है उसका हम समीकरण पहले लिख लेते हैं, दिया गया आव्यूह समीकरण ये दिया गया है एक दो तीन तीन एक दो दो तीन और एक, और इसके साथ में एक अवयव है एक्स वाई जेड, इसके अवयव हैं बराबर चार ऋण दो शून्य ऋण छः और ऋण एक दो, इसके साथ में दो और एक। तो आपको ये पता है कि दो अवयवों का गुणा किस प्रकार करते हैं, देखिए एक दो तीन इसमें तीन पंक्ति है और तीन स्तंभ है, एक दो तीन इसमें तीन पंक्ति है और एक स्तंभ है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये तीन बाई एक इस आकार का होगा। इसी प्रकार ये तीन बाई दो है और ये दो बाई एक है, तो देखिए यहाँ पर तीन और ये तीन दोनों बराबर है तब हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, तीन और एक इसका आकार मिलेगा, और इसी प्रकार यहाँ पर दो और यहाँ पर दो है तो हमें राइट साइड में जो आव्यूह दिया गया है उसका गुणनफल तीन बाई एक के क्रम में मिलेगा। तो किस प्रकार गुणा करते हैं आपको यह पता है कि ये रो और इसके कॉलम के अवयव का संगत गुणा, तो चलिए गुणा करते हैं, एक्स का गुणा एक के साथ, वाई का गुणा दो के साथ और जेड का गुणा तीन के साथ, इसी प्रकार ये हो जाएगा तीन एक्स धन वाई धन दो जेड और दो एक्स धन तीन वाई धन जेड, और इसी प्रकार यहाँ पर हम गुणा करेंगे ये आपका रो और इस तरीके से कॉलम किया गया, तो चार ये चार और दो का गुणा आठ ऋण दो और एक का गुणा ऋण दो, इसी प्रकार शून्य का गुणा जीरो के साथ, शून्य का गुणा दो के साथ शून्य ऋण छः का गुणा एक के साथ ऋण छः, ऋण एक का गुणा दो के साथ ऋण दो और दो का गुणा एक के साथ धन दो। सरल करने पर आपको ये प्राप्त हो रहा है छः ऋण छः और शून्य, तो इसका मतलब ये कि यहाँ से आप समीकरण निकाल सकते हैं x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू सिक्स, थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू माइनस सिक्स और टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो इन समीकरणों को हम हल कर लेंगे और हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इन समीकरणों को हल करने पर
हमें जो मान प्राप्त होगा ये x इक्वल टू माइनस फोर, y इक्वल टू टू और z इक्वल टू टू प्राप्त होगा, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि आव्यूह ए ये 3x3 क्रम का है, इसके पहले रो के एलिमेंट है 1, 3 लेमडा प्लस टू, दूसरा रो 2, 4, 8 और तीसरा रो 3, 5 और 10। अब व्युत्क्रमणीय है तो दर्शाइए कि लैम्डा का मान 4 होगा, यह हमें दिखाना है। तो इसके लिए पहले हम दिया हुआ आव्यूह लिखते हैं। दिया हुआ आव्यूह, माना कि ये ए है और ए प्रश्न में दिया गया था 1, 3 लैम्डा धन 2, 2, 4, 8, 3, 5, 10 ये आव्यूह दिया गया है। अब चूंकि यह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो लैम्डा का मान 0 होता है, तो इस आव्यूह के से बने सारणिक का मान 0 होगा। तो इसका मतलब ये कि हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं, 1, 2, 3, 3, 4, 5 और ये लैम्डा प्लस 2, 8 और ये 10। तो इसको हम संक्रिया के द्वारा भी हल कर सकते हैं और सीधे विस्तार करके भी सरल कर सकते हैं। तो यदि इसमें हम संक्रिया लगा दें कि C2 कॉलम 2 मतलब ये वाला कॉलम बिकम्स कॉलम 2 माइनस 3 टाइम्स C1, इसमें 3 का गुणा करके हम इसमें घटाते हैं, तो इसका मतलब ये कि पहला कॉलम जो है वो हमें वही अवयव मिलेगा, तो ये 1, 2, 3। अब इसमें 3 का गुणा कीजिए तो 3 मिल जाएगा, 3 में 3 घटाएंगे मिल जाएगा 0। फिर इसमें 3 का गुणा कीजिए 6, 4 में 6 घटाएंगे तो मिल जाएगा -2 और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 9 और 5, -9 करेंगे तो मिल जाएगा -4। और इसी प्रकार तीसरा जो स्तंभ है C3, इसको हम लिखेंगे C3 माइनस 2 टाइम्स C1। तो दूसरे कॉलम में आप 2 का गुणा कीजिए, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 6, C3 बिकम C3 माइनस 2 टाइम्स C1। तो इसमें आप 2 का गुणा कीजिए तो मिल जाएगा 2 और इसमें घटाइए तो आपको मिल जाएगा लैम्डा। फिर इसमें 2 का गुणा कीजिए मिल जाएगा 4 और 8 में 4 घटाएंगे तो मिल जाएगा 4। फिर 3 में 2 का गुणा कीजिए मिल जाएगा 6, 10 में 6 घटाएंगे तो मिल जाएगा 4। अब काफ़ी हद तक ये सरल हो चुका है, प्रथम पंक्ति के अवयव के सापेक्ष हम इसका प्रसार कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 1 और 4 और 2 का गुणा 8 और ऋण और ये ऋण और ऋण धन 4 चौक 16, धन शून्य के साथ में है तो बाकी पद शून्य आ जाएगा, उसे हम नहीं लिख रहे हैं। लैम्डा के साथ ऋण 8 और ऋण धन 6। सरल करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 और यहाँ से मिल जाएगा -2 लैम्डा। तो चूँकि ए अव्युत्क्रमणीय है अतः डिटर्मिनेंट ए का जो मान होगा ये 0 होगा, तो इससे मिल जाएगा 8 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 या फिर 2 लैम्डा इक्वल टू 8 या फिर λ = 8/2, सो λ = 4 और यही वह मान है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि ए एक विचित्र आव्यूह अर्थात सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू 0। तो चूंकि आपको यह पता है कि ए यदि विचित्र आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ए जो होता है वो हमें 0 प्राप्त होता है, तो और यह हम जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई यह होता है, और आपको यह ज्ञात है कि विचित्र आव्यूह अगर ए विचित्र आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट ए का मान 0 प्राप्त होता है, उसे हम यहाँ पर रख देंगे तो आपको मिल जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू 0 इंटू आई इक्वल टू 0 और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि ए एक लाम्बिक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू +-1। चूंकि ए एक लाम्बिक आव्यूह है
तो लाम्बिक आवयुह की परिभाषा से हम लिख सकते हैं a इंटू ए डैश इक्वल टू आई। यदि दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट लगा दें, a इंटू ए डैश का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई, और इसे आगे सरल करें तो आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट a डैश का डिटर्मिनेंट, और ये आपको मिलता है 1। अब डिटर्मिनेंट a और इसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, दोनों आपको वही प्राप्त होता है। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तन करने से, आवयुह करने से सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये a इंटू a इक्वल टू आपको a प्राप्त होगा, क्योंकि a डैश का डिटर्मिनेंट आपको a मिलता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू प्लस माइनस 1, और यही हमें सिद्ध करना था।